सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है अर्णव। अर्णव मुझे पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा है, तो अर्णव अपने बारे में बताओ बच्चों को। हेलो पार्थ सर और हेलो एवरीवन। मेरा नाम अर्णव है, मैं दिल्ली से हूँ और इस बार नीट 2021 में मेरी रैंक 1118 है और मार्क्स 676 आउट ऑफ 720 है। ओके, तो बहुत और बढ़िया अर्णव, काफी मैं बढ़िया मार्क्स हैं। तो अर्णव अपनी स्टोरी बताओ कि कैसे तुम इतने अच्छे मार्क्स तक पहुंचे, क्या क्या स्ट्रगल तुमने बीच में फेस करे, क्या करा। 11th में एक्चुअली मैं उतना सीरियस नहीं था प्रिपरेशन को लेकर, और मैंने स्टार्टिंग करी थी सिर्फ सेल्फ स्टडी से। और मैंने एक इंस्टीट्यूट के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स खरीदे और घर पर उनसे पढ़ना चालू कर दिया। मतलब वो मॉड्यूल्स थोड़े मिसलीडिंग होते हैं, वो आपको गलत चीजें रटवाते हैं, पॉइंट्स बना के गलत चीजें रटवाते हैं जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होते। और एनसीईआरटी पे इसलिए मैंने इतना फोकस नहीं करा क्योंकि मेरे को लगता था कि एक नीट काफी हाई स्टैंडर्ड का एग्जाम है और उसमें एनसीईआरटी जैसी, मतलब क्या ही बोलूँ, थोड़ी बेसिक किताब से, सीबीएसई लेवल की किताब से इतने सवाल आएंगे। इसलिए जो पहलाते हैं कोचिंग वाले, मेरे को भी उस वही लगा। इसलिए मैंने, मेरे करीब 6 महीने बर्बाद हो गए। मैंने मई में चालू करी थी प्रिपरेशन और वो फर्स्ट 6 मंथ्स मेरे काफी, मतलब मेंटली भी काफी अच्छी जगह पे नहीं था क्योंकि मार्क्स नहीं आ रहे थे और 400-500 के बीच में रहते थे। उसके बाद अक्टूबर में मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, लेकिन वहां पे मैं काफी, मैं पीछे छूट चुका था क्योंकि सारा सिलेबस काफी तेजी से पढ़ाया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और जब मैंने उनको ज्वाइन करा तो काफी पीछे था मैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में मेरे ज्यादा मार्क्स नहीं बन पा रहे थे। फिर जब 11th की स्कूल से छुट्टी हुई, कोचिंग से छुट्टी हुई, तब मैंने सारा सिलेबस खुद कवर करा, थोड़ा ऑनलाइन की हेल्प की। तभी मेरे को पार्थ सर भी मिले, इन्होंने बताई एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस। इन्होंने खुद, क्योंकि 2019 में नीट क्लियर करा है वो भी इतनी अच्छी रैंक के साथ, 223, तो मेरे को लगा कि इनको, इनसे एडवाइस लेना काफी सही रहेगा। और तब से मैंने एनसीईआरटी पे फोकस करा। फिर मैंने समझा कि मॉड्यूल में जो एक्स्ट्रा स्टफ होता है वो नीट के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, उससे मे भी एक दो क्वेश्चन आ जाएगा बस। और तब से मैंने एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस। 12th में जब मैं आया तब से मेरे मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हुए, अराउंड 600 रन लग गए थे। और तभी मैं पार्थ सर की एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी थी सबसे पहले, जिसमें इन्होंने अपनी एक तो जर्नी बताई और एक बताया था कि नीट हम कैसे क्रैक करें, कोई भी जनरल आदमी, एवरेज स्टूडेंट, कि नहीं अगर आपकी ऑलरेडी 650 नहीं आ रहे हैं तो भी आप कैसे वहां तक पहुंच पाओ, क्योंकि उस पर फोकस नहीं होता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वो लोग जो सबसे क्यूरेटेड और सबसे टॉप अकॉम्प्लिश बच्चे होते हैं, ओलंपियाड जो पहले से क्लियर कर रहे हो, उनको उठा लेते हैं और फिर उनसे अपनी थोड़ी रैंक दिखाते हैं, ये बात है। और एवरेज बच्चे के पीछे कोई अगर लग के उसकी रैंक निकलवा रहा है तो मैं समझता हूँ वो असली सक्सेस है। तो इसलिए मैंने पार्थ सर को काफी अच्छे से फॉलो करा। हाँ जो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते थे उसमें 600 के क्लोज नंबर रहने लग गए, लेकिन बायो में तब भी मैं इम्प्रूव नहीं कर पाया। ज्यादातर वो नंबर जो थे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे थे क्योंकि काफी अच्छे टीचर थे हमारे वहाँ पे। बायो में थोड़ा फोकस जो रहता है वो बनाना एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन याद करना, वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मेरे को कभी भी ऐसे रटने की या याद करने की आदत बहुत कम है। समझ जाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, लेकिन एकदम टिप्स पे नहीं होता। वो जो टिप्स पे लाना होता है उसके लिए मेरी मदद करी थी बायो हैक ने। सर ने बायो हैक निकाला था 2021 में, एग्जाम से थोड़ा टाइम ही बचा था, अराउंड 3-4 मंथ्स, तभी आया था। ये देखिए, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, प्रॉबेबली फ्रॉम एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, इसलिए मेरे को याद हो गया था एंड में सब। और इतनी आसानी से मैं बायो में, मैंने अराउंड 20 मिनट्स में खत्म कर दी थी नी 2021 में बायो, इसी की वजह से, क्योंकि मेरे को एकदम टिप्स पे याद थे, जल्दी जल्दी लगाओ आगे बढ़ो। और तो अर्णव, बायोहैक ने तुम्हें कैसे कैसे हेल्प करी? मेनली क्योंकि मेरे को फैक्ट्स जो होते थे एकदम फैक्ट बेस्ड वो नहीं याद होते थे। दूसरी चीज कि एक रिकॉल करना होता है कि क्वेश्चन देखा, जल्दी से माइंड में कनेक्शन बना कि भाई इस चैप्टर का ये पेज से ये लाइन उठाई, ऐसा कनेक्शन बनाना और बहुत जल्दी से रिकॉल करके जल्दी से लगाना। क्योंकि अराउंड अगर आप 40 मिनट बायो का दे रहे हो तो आपके पास फिजिक्स में एकदम एंड में टाइम क्रंच आएगा और रिवाइज करने के लिए तो शायद ही टाइम बचे। ये करने में मेरी बायो ने बहुत मदद की है काइंड ऑफ एकदम। बायो जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं बायो की मदद से, क्योंकि हाँ, और एनसीईआरटी एकदम आपके टिप्स पे आ जाती है। मतलब एनसीईआरटी से अगर आपको भी रात को उठा के भी पूछ लेना कि ये बताओ ये क्या होगा, ये बताओ इस डायग्राम में ये क्या मार्क कर रखा है, तो भी आप बता दो। ये मेरे बायो हैक में ये ऐसा कोई, ये मैं हटा देता हूँ।
पूरा दिखाओ बंडल। ये फोल्डर है मेरा, तो तुमने सारे बायोटिक्स प्रिंट कराए थे? सारे 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 हर चैप्टर के। हाँ हर चैप्टर के कराए मैंने, खासकर उन चैप्टर के जैसे माइक्रोब्स हो गया जिनमें, या स्ट्रेटेजीज हो गया, इकोसिस्टम हो गया जिनमें काफी ज्यादा करोड़ लग, उनको तो एकदम मैंने 3-4 बार सॉल्व करा है। जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं उनके सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी हेल्प होती है, ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है उसी से आप सॉल्व करते सारे सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे थोड़े से डेवलप थे, बाकी जो नहीं थे वो बायोहैक से हो गए, क्योंकि आप कुछ चीजें मिस कर जाते हो चाहे आप कितनी भी बार पढ़ रहे हैं। मैंने शायद कुछ 4-5 बार पढ़ गया हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है कि डायग्राम के नीचे कुछ लिखा है, डायग्राम में कुछ लिखा है, वो चीजें छूट जाती हैं, वो कवर अप करने के लिए बहुत हेल्प होती है। तो अरना तुम अपने जूनियर्स को सजेस्ट करोगे बायोहैक? बिल्कुल, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आपको बायो में नंबर लाने, और मैं पर्सनली मेरे 355 नंबर है, मतलब आप कहो क्या कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, आपके ऊपर है, और बाकी जो है नहीं, 350 का 360 काफी अच्छे मार्क्स है, मतलब भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा इस, तो मतलब इस समय को एक याद आई बात कि 12th में जब एंड टुवर्ड्स द एंड FTS होते थे, फाइनल टेस्ट सीरीज, और सबकी फाइनल टेस्ट सीरीज सारे इंस्टीट्यूट की, मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट की करी है, उसमें काफी अच्छे नंबर थे, 700+ रहते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती थी। कभी थोड़ा डिफिकल्ट पेपर हो गया तो शायद 690-685 तक पहुंच जाए, लेकिन एंड के दिन लास्ट डे आपको पैनिक नहीं करना है, मेरे साथ क्योंकि वही हुआ है। लास्ट डे पे जब मैं पेपर देने बैठा हूँ, मेरी बेस्ट सब्जेक्ट था, मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद है, मैंने एरोडोस तक करी थी, और इतनी मेहनत का मेरे को मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ 160 नंबर रह गए मेरे फिजिक्स में, और वो इसीलिए क्योंकि लास्ट डे मैंने पैनिक कर दिया और वैसे सवाल गलत करे जो मैं कभी नहीं करता, बहुत ही इजी इजी सवाल, बहुत ही कॉमन सवाल हर बुक में आपको मिलेंगे, तो आपको वो नहीं करना है। अगर वो नहीं करते हो तो आपकी रैंक को श्योरली बूस्ट मिलेगा, मैं कह सकता हूँ 500 रैंक तो आपकी बस इसलिए ऊपर आ जाएगी क्योंकि आप एक बहुत ही हैवीली स्ट्रेस्ड, और ऐसा नहीं है कि जिंदगी बदल जाएगी, ये सब सोच के मत जाएगा, तो आपको आपकी रैंक को जरूर बूस्ट मिलेगा। बाकी मैं बताना चाहूंगा, एक पार्सर का टेलीग्राम चैनल है, उसमें उसी में आए थे बायो हैक्स के PDF इनिशियली, और उसी में बुक भी आई है बायो हैक की और केम हैक, और वहां से मेरे को हेल्प इसलिए मिली थी क्योंकि उस पे पार्सर की यूट्यूब वीडियोज आ जाते थे, तो मेरे को यूट्यूब बार बार खोल के नहीं देखना पड़ता था। तो उसमें टेलीग्राम चैनल अगर आप हो सके तो ज्वाइन करें, और बाकी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस आते थे मैं रेगुलरली देखता था, नियरली मैंने सारे देखे हूँ, शायद ही कोई छूटा। और टेलीग्राम चैनल पे क्लासेस का भी लिंक आता है, तो उसमें काफी कॉम्पिटेटिव माहौल होता है कि जैसे अराउंड 90 क्वेश्चंस करते हैं हम, और आधे घंटे में हो जाते हैं, जैसे आपको नीट में करना होगा तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है। डेली क्लासेस होती थी जब टूवर्ड्स द एंड, जब नीट होने ही वाला था, तो मैंने उससे काफी प्रैक्टिस करी है, और काफी मतलब डेप्थ से आते थे उसमें सवाल एनसीईआरटी के, कि हर लाइन से, और PYQ सारे, नीट के CET के सारे कवर हो जाते हैं, तो उसलिए मेरे को खुद अपने सारे रिसोर्सेज पे नहीं जाना पड़ा कि सारी बुक्स देखो, नीट की PYQ की अलग, CET के PYQ की अलग, और NCERT को बैठ के फिर से रिवाइज करो या कुछ और सॉल्व करो, तो वो फन वे में आधे घंटे में मेरा एक रिवीजन हो जाता था एंड ऑफ द डे पे, और हर एक चैप्टर जैसे जो होने जिसकी क्लास होने वाली थी उससे पहले मैं दिन में वो चैप्टर पढ़ता था, फिर उसकी क्लास कर लेता था, तो मेरे को अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती थी, मेरा काफी टाइम सेव होता था, वरना मेरे को अराउंड 1-1.5 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती थी सारे क्वेश्चन करके। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। कोई बात नहीं, अगर रैंक तुम्हारा ऐसा तुम्हें लगता है कि कम भी रहा है या तुम्हें और ज्यादा तुम डिजर्व करते थे, तो मैं तुम्हें बताऊं कि देखो, मैं MBBS का कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है, एक्चुअली मैं मैटर करता है हाँ PG वो का, तो तो बिल्कुल, उतना इसको दिमाग पे नहीं लेना, ठीक है? कि हाँ वो तो मतलब मैंने जब किसी को भी बोलता हूँ तो वो तो कहते ही हैं कि अच्छा स्कोर है, अच्छी रैंक है, क्या दिक्कत है तुमको, तो है, पर थोड़ा वो रहता है हाँ, ना वो कि अंदर आपने से मेहनत रहता है, करी, मैं मैं समझ तो सकता हूँ। खुश हूँ लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि हाँ भाई मैं, जैसे अगर मौलाना आजाद भी मिलने का भी चांस है मेरे को, और लेकिन एक वो होता है कि चौड़ से गए कॉलेज में कि भाई बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अपनी रैंक है, वो मैं इधर देख समझ रहे हैं। सकता हूँ। JVPY में जैसे मैं बिना स्ट्रेस के गया था क्योंकि मेरे को कुछ नहीं था, मैंने मेरे को जाना नहीं था ना ISC ना ICER,
जाना था मेरे को, उसमें रैंक मेरी 100 थी क्योंकि मैंने बहुत आराम से दिया था उस। मैंने खुद ने पेपर बिगाड़े इस तरीके से स्ट्रेस लेकर के, बहुत सारे केवीपीवाई मैंने बिगाड़ा। अच्छा मैंने आखिरी मैं हाँ मैंने वीडियोस भी बनाई थी, मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने बहुत ज्यादा इस पर मैं फोकस करता। तो थैंक्स अर्नब, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द चैनल, और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, बढ़िया से लगे रहो। और जितने भी लोग देख रहे हैं, देखो सब चीजें होती हैं, आपको प्रिपरेशन भी करना होता है, आपको एंड टाइम पे भी देखना होता है, और आपको एग्जाम डे पे भी देखना होता है। ये पूरी एक जर्नी होती है, और इसमें हमें सब चीजों का जो है लेकर के चलना पड़ता है। उसमें हम जैसे लोग आपको हेल्प करते हैं, तो बढ़िया से तुम भी लगे रहो, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो तुम्हें पता ही है यूट्यूब चैनल है अपना, तो लगे रहो और चलो ठीक इन्जॉय करो इस जर्नी को। एक काफी इंजॉयबल जर्नी की तरह तुम देखोगे तो इजिली निकल जाएगी और मजा भी आएगा, रेदर देन इसको ऐसे हेडेक की तरह। ठीक है, तो बाय सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।